इस सिलसिले में कि किसी की ईद की नमाज फौत हो जाए क्या किया जाए, इस सिलसिले में इख्तलाफ है उलमा का। कुछ उलमा का कौल है कि चार रकतें पढ़ना चाहिए, जैसे जुमा छूट जाए दो रकत तो कितनी पड़ेगा, जहर पड़ेगा। तो इसके एतबार से, और एक रिवायत भी सिलसिले में इब्ने उमर की है लेकिन वो मुनक़ते है, उस बुनियाद पर बाद उलमा ने कहा जैसे इब्ने मसूद का कौल है, मन फातहुल ईद फलयुसल्ली अरबाइन, जिसकी ईद की नमाज छूट जाए वो चार रकत पढ़े, वो चार रकतें पढ़े। लेकिन ये रिवायत सही नहीं है, ये मुनक़ते है, ज़ईफ़ रिवायत है, ये दलील नहीं बन सकता है। इमाम अल-बुखारी किस चीज़ के कायल हैं? इमाम अल-बुखारी अपनी सही बुखारी में कहते हैं, बाबु इदा फातहुल ईद युसल्ली रकअतैन, किसी की ईद की नमाज छूट जाए तो वो क्या करे, दो रकत पढ़े। वकदालिक निसाउ वमन काना फिल बुयूति वल कुरा, और इसी तरह से औरतें और वो लोग जो घरों में हों और देहातों में हों। लिक़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाज़ा ईदुना अहलल इस्लाम, कहते हैं कि इसी तरह से औरतें और घरों में और इसी तरह से देहातों में, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाज़ा ईदुना अहलल इस्लाम, ये हमारी ईद है अहले इस्लाम की ईद। तो इसमें आपने सारे मुसलमानों की बात कही, किसी को ख़ास नहीं किया इसमें। व अमर अनस इब्न मालिक, अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया, मौलाहुम इब्न अबी उतबा बिज़ाविया, जो उनके मौला थे इब्न अबी उतबा, उनको जाविया के मकाम पर उन्होंने हुक्म दिया कि फजमा अहलहु व बनीहि व सल्ला का सलात अहलिल मिस्री व तकबीरिहि, उन्होंने हुक्म दिया कि तुम एक काम करो, अपने घर वालों को, अपनी औलाद को, सबको जमा करो, और जैसा शहर में ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है तुम देहात में भी वैसी नमाज़ पढ़ो। तो देहातों में भी ईद की नमाज़ हो सकती है, अगर वो शहर में नहीं आ सके ईद की नमाज़ के लिए तो देहात में कैसी नमाज़ पढ़ेंगे, जैसे शहर में पढ़ी जाती है। और इमाम बुखारी कहते हैं, वक़ाल इकरिमतु अहलुस्सवादी यजतमिउना फिल ईद युसल्लूना रकअतैन कमा यसनाउल इमाम, कहते हैं कि सारे अहले सवाद, सब के सब इलाकों वाले जमा होंगे ईद की नमाज़ के लिए, और इमाम की तरह जैसे इमाम करता है वैसा ही नमाज़ पढ़ी जाएगी। वक़ाल अता इदा फातहुल ईद सल्ला रकअतैन, और अता ताबई कहते हैं, इकरिमा भी ताबई हैं, कि जिसकी ईद की नमाज़ फौत हो जाए वो दो रकतें पढ़े। तो जो ईद की नमाज़ न पढ़ पाए वो दो रकतें पढ़े, वो दो रकतें पढ़े। इसको इमाम अल-बुखारी ने तालिकन रिवायत किया है।